सिंगरौली भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल के बीते 6 माह के कार्यकाल को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा उन पर भरोसा जताते हुए पुनः सिंगरौली जिले की कमान सौंपी गई है। इसे लेकर भाजपाइयों में खुशी की लहर दिख रही है। वीरेंद्र गोयल के जिलाध्यक्ष बनने पर बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं पार्टी पदाधिकारियों द्वारा मोरवा से बैढ़न तक विजय जुलूस निकाला गया, जहां जिले भर से सैकड़ों की तादाद में भाजपाइयों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सिंगरौली बस स्टैंड समीप स्थित शिव मंदिर पहुंचे, जहां जिले भर से आए कार्यकर्ताओं व पार्टी पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया, जिसके बाद मोटरसाइकिल व कारों के काफिले के साथ उनका विजय जुलूस मंदिर प्रांगण से शुरू होकर UBI रोड विधायक निवास होता हुआ भाजपा जिला कार्यालय बैढ़न के लिए निकला। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा बैंडबाजे की धुन पर नाच गाकर एवं मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। रैली में सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य, सिंगरौली मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र गर्ग, पूर्व सिंगरौली मंडल अध्यक्ष प्रवीण तिवारी समेत जिले के अन्य मंडल अध्यक्ष, वार्ड पार्षद, संयोजक समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी जनता रैली में उपस्थित रहे। प्रदेश नेतृत्व एवं राष्ट्रीय नेतृत्व प्रणाम, मोरवा में हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस सिंगरौली जिले का पुनः जिलाध्यक्ष बनाने की अनुशंसा की। मैं सर्वप्रथम स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विशेष रूप से सिंगरौली विधायक, देवसर विधायक, चित्रंगी विधायक और माननीय सांसद रीति पाठक जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने यह जिम्मेदारी मेरे कंधों पर दिलवाने में अपना प्रयत्न किया। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला सिंगरौली के कमान जो पिछले 5 महीने में मुझे प्राप्त हुई थी, 5 महीने पूर्व, उस 5 महीने में मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बुनियाद जो घसकती दिखाई दे रही थी उसको मैंने जोड़ने का प्रयास किया है और भारतीय जनता पार्टी जिला सिंगरौली को प्रत्येक कार्यों में मैं उच्च स्थान पर ले गया हूँ। आने वाले समय में मेरा प्रयास होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिला सिंगरौली प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में अपना नाम रोशन करे। उसके लिए यहाँ के स्थानीय हमारे कार्यकर्ता बंधुओं की जो कि हमेशा से शिकायत रहती थी कि हमारे पार्टी के द्वारा उनको तवज्जो नहीं प्राप्त होती थी, मैं उन सभी कार्यकर्ता बंधुओं का सम्मान का ध्यान रखते हुए उनके मान सम्मान को लेकर के कहीं पर भी धरना प्रदर्शन या किसी भी तरह के आंदोलन प्रदर्शन की आवश्यकता होगी उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिला सिंगरौली के जिलाध्यक्ष के नाते मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के हमेशा तत्पर रहूं।